जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब से ड्रीम है कि IAS बनने का, और 8वीं में जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया बार में 95.11% के साथ, तब से है कि हम कर सकते हैं। बाड़मेर में अगर टॉप है तो उसके बाद में घर वालों की हमेशा इच्छा थी कि मैं बाड़मेर में घर पे धर्म लगाऊँ, क्योंकि उनकी इच्छा होती है बच्चा दूर ना जाए, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तभी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो 2 साल सीकर में अपने स्कूल करके उन्होंने फ्री में पढ़ाया, उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे बच्चे हैं विद्यार्थी हैं, हम आपको छात्रवृत्ति दे। उसके बाद में फिर वहाँ लगा कि वो सिर्फ वहाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती, जबकि मेरे हिसाब से शिक्षा में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिर जोधपुर में आया, और ये भी था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं मिला तो फिर मैं आगे IAS कैसे बनेंगे। मन में ये था कि IAS बनने के लिए अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है, तो अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल जिनमें भी गया लेकिन उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। तो फिर मैं KV में एडमिशन लिया केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने कहा कि साइंस में एडमिशन लो, आर्ट्स में लेके क्या करोगे, इतने अच्छे परसेंट है। फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे आर्ट्स ही लेनी है, मुझे IAS ही बनना है। वहाँ 12वीं की 91.75% के साथ आर्ट्स में, और वहाँ के बाद मैंने दिल्ली जाना था, दिल्ली जाना है बस। प्रॉब्लम ये थी कि भाई घर की स्थिति के हिसाब से दिल्ली जाके पैसा कौन देगा, घर वाले तैयार भी होते लेकिन मन में था कि इनका पैसा क्यों खर्च करें। तो फिर भी वहाँ घूमता था, कॉलेज के बारे में पता किया, तो उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स थे तो दिल्ली में एडमिशन हॉस्टल्स में किसी को नहीं दे रहे थे, तो अपने को अपने लिए अनजान शहर, अपन उस शहर में कहाँ रहें क्या करें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मन में था कि एक कॉलेज है सेंट स्टीफन्स कॉलेज, वो इतना प्राइम प्रीमियर कॉलेज है देश का कि उसके हॉस्टल की सुविधा नहीं ली गई थी वापस, तो हमने वहीं अप्लाई किया। और वो यहाँ पे कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जितने भी इंडिया के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी कैबिनेट सेक्रेटरी सब वहीं पढ़े, तो वहाँ अप्लाई किया। तो वहाँ इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो वो भी अंग्रेजी में होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोफेसर अच्छे थे, उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने के लिए अलाउ किया, और इंटरव्यू देने के बाद में वो भी एक स्तब्ध थे कि क्या किया जाए इस बच्चे के साथ, तो उन्होंने एडमिशन दिया। और सर ये थे कि 6 महीने में अंग्रेजी सीखोगे नहीं तो हम आपको इस कॉलेज में कंटिन्यू नहीं करने देंगे, तो हमने वादा किया सर 6 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है नहीं सीख सकता तो एक अलग सवाल है, तो हमने वहाँ वादा किया बिल्कुल हम सीखेंगे। और 3 साल उस कॉलेज में रहने के बाद में 3rd ईयर में उस कॉलेज का प्रेसिडेंसी कैंडिडेट था मनमोहन सिंह के पोते के खिलाफ, तो एक 3 साल में जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे जनरेट की उस जगह की वो बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए। वहाँ पे जाने के बाद में लगता है कि IAS कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जिस माहौल में बैठते हैं वो माहौल एक अलग होता है। उसके बाद में लगा कि कुछ दोस्त थे अच्छे जिनके पहले विदेश के भी अच्छे लिंक रहे, तो उन्होंने बोला कि आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है क्यों ना अब्रॉड में अप्लाई करो। तो शशि थरूर पहले से ही थे कि भाई भारत का इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चेहरा हम भी बन सकते हैं, तो 19 साल में वो भी बाहर गए थे, हमारी इच्छा थी हम भी बाहर जाए, तो अप्लाई किया मैंने फ्रांस में, US में। फ्रांस की एक कोई पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, सियांस पो करके यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की नंबर 4 है आज के दिन वो यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पे उन्होंने 40 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप थी जो सिर्फ 2 नॉन यूरोपियन बच्चों को मिलती है सिर्फ। हाँ, तो आई वॉज द वन ऑफ द नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हू गॉट इट, एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इज उस जगह पे सभी फ्रेंच डिप्लोमेट्स, फ्रेंच ब्यूरोक्रेट्स और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रों हैं, उससे भी जितना भी फ्रांस का एलीट जो है वो सिर्फ वहीं पढ़ता है। तो हाँ, मौका मिला तो एक अपने आप में एक अलग अर्थ, और वहाँ अंग्रेजी तो सीखी। उसके बाद में फिर हो गया कि भाई अब फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, आप फ्रांस में हैं तो फ्रेंच की सेवा करनी पड़ेगी। वहाँ पर 1 साल रहने के बाद में ये लगा कि भाई यहाँ से भी कुछ बेहतर भी है दुनिया में, हार्वर्ड नंबर 1 है, क्यों ना वहाँ जाया जाए। तो हर जगह के एक प्लेटफॉर्म पर जनरेट होता है, वहाँ से फिर अप्लाई किया सियांस पो यूनिवर्सिटी का, उसके साथ लिंक है, उससे एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में एक फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, वह जहाँ से थरूर पढ़े वहाँ जाना जरूरी है। मतलब मैं कॉलेज में था तब मैंने स्टीवन में फ्लेचर में अप्लाई करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने बोला कि आप 27 साल से कम बच्चों को हम नहीं ले सकते, एवरेज एज जो है हमारी वो 27 ईयर हो। मैं वहाँ जब 20 साल में पहुँचा वहाँ पर, तो मैं जिन्होंने मुझे ईमेल में जवाब दिया था कि 27 में मैं 20 में आ गया सर आपके पास। आई टोल्ड हिम कि सर दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड 20 ईयर ओल्ड, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
वहाँ भी मैं जोसेफ नाई जैसे लोगों से मिला, तो जिनकी किताबें पढ़ते हैं सोचते हैं सॉफ्ट पावर नाम वर्ड कोइन करना, तो एक अलग एटमोसफेयर हो गई। तो उसके बाद था कि मैं अब मन डिलेमा था कि IAS बने या फिर एक ग्लोबल लाइफस्टाइल है जिसमें कि आप UN में जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, दुनिया की जो चीज़ें वो करेंगे। IAS बहुत छोटा है, लेकिन माता पिता की इच्छा थी, बचपन का ड्रीम था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि अगर मैं दोनों मैनेज कर सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में था। जब 2015 में वापस आया तो मेरा वर्ल्ड बैंक में सिलेक्शन हो गया था। एवरी डे आई वुड अर्न 13,000 रुपीज, लाइक क्लोज टू $200। इट वॉज माई पैकेज फॉर P2 लेवल ऑफिसर, बट मैं वो छोड़ के आया, एक साल तैयारी किया, फिर पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ PT, कुछ आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या करना है। तो फिर मैंने UN ज्वाइन कर लिया। UN में दिल्ली में मैं नेशनल कंसल्टेंट था 3 African countries के लिए, केन्या, युगांडा और रवांडा। उनकी इकोनॉमीज कैसे इंडिया की तरफ से मैनेज करनी है वो मैं देखता था। वो मैंने पिछले साल रिज़ाइन कर लिया जब MEA ने एक चाइना एक्सपर्ट का अभी रिसेंटली हायर किया है लेटरल एंट्री, तो उसमें अंडर सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने हायर किया था, उसमें चले गए। तो ग्लोबल टैलेंट को टैप करने का मोदी जी का प्रॉब्लम, जैसे अरविंद पनगड़िया आए थे हार्वर्ड से नीति आयोग में, उस टाइप के लोग, तो हम वो एक सेक्रेटरी लेवल को भी जरा हमारा सेक्रेटरी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन का काम जो है वो। तो अब आज के दिन अभी करंटली सब 2020 तक विदेश मंत्रालय में एज ए चाइना एक्सपर्ट कंटिन्यू मूव हुई है। देखो सरकार क्या चाहती है आपसे, गवर्नमेंट कैन अलाउ मी टू कंटिन्यू है, गवर्नमेंट कैन एक्सपोर्ट प्लेसेस आई एस और एट गुड प्लेसेस, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, बट माई चॉइस इज फॉरन सर्विस। बिकॉज आज के दिन जो जिस तरीके से दुनिया जो इंटरट्वाइंड है कंट्रीज अपने बीच में, इंक्रीजिंगली यू नो डिपेंडेंसी इंडिया की, और जैसे जैसे इंडिया का रोल बढ़ता है, तो इंडिया के रोल को प्रोजेक्ट करने के लिए यू नीड टू हैव वेरी गुड क्वालिटी डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है वो तभी अचीव हो पाएगा जब वी हैव गुड नेगोशिएटर्स ऑन द ग्राउंड। तो है अभी ऑलरेडी मैं जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स का काम करता हूँ, तो एक ऑलरेडी भी उन वो कर सकते हैं, ऐसा एक भी उनके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, वो नहीं कर सकते। उसका सिंपल और सिंपल एक ही कारण है, यहाँ जिन परिस्थितियों में बच्चा पलता है वो आदमी को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए उसको, ई शुड थिंक दैट दिस इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर हिमसेल्फ। कारण ये है कि हम गरीबी भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कितना मुश्किल है पैसा कमाना। हम जो व्यक्ति सारी कठिन परिस्थिति में गुजर जाता है वो पहले गुजर चुका है, उसके लिए आगे का सफर तो सुहाना ही है, वो उसको बस जाना है उस सफर में, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज मोटिवेशन दीज आर द फैक्टर्स। वो आजकल मेरे साथ उतना नहीं रहा है इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट है मानता हूँ मैं, लेकिन झिझकना नहीं चाहिए, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप बाड़मेर में रहेंगे आप सोचते हैं मैं यहाँ चीज़ वो नहीं कर सकते, यू हैव टू गो आउट, आपको अपना जगह बनाना पड़ेगा, आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट से एजुकेशन पानी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ IAS ही नहीं, IAS देश नहीं चला रहा, देश हर व्यक्ति एक साइंटिस्ट, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा डॉक्टर, सब जरूरी है, और वो तभी होगा जब यहाँ से बाहर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी कठिन परिस्थितियों से यहाँ के बच्चे गुजरते हैं पूरे देश में कहीं के बच्चे नहीं, तो उनको सब पता है कि कहाँ कमियाँ हैं और अच्छा ही है, वो कितनी अच्छे से पा सकते हैं, तो उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और वो बाहर जाने भी मिल जाएंगे। अभी मैं एज ए चाइना स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे दिखता है कि भाई अपने सबसे बड़ी भारत के खिलाफ अगर चुनौती है और या फिर अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटी, इसकी भारत किस तरीके से अपने संबंध है, दुनिया की बड़ी पावर्स हैं उनके साथ कैसे मेंटेन कर सकता है, और अपने इंटरेस्ट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उनके साथ खड़ा रहे, फ्रांस चाहता है, सब चाहते हैं हमारे उनके साथ खड़े रहे और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना रहे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना खुद का इंटरेस्ट, व्हाट इज इंडिया इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट है कि अपने यहाँ देश में हजारों लाखों लोग गरीब हैं, शिक्षा चाहिए उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको लाने के लिए जो भी पॉसिबल करना होगा वो इन सब देशों के साथ करना है जरूरी। तो मेरा बस इच्छा यही कि हर जगह पे हर एक दिन किस तरीके से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे डिफेंड करना है, दैट इज माय ड्रीम। आई एम इंटरेस्टेड मोर इन फॉरेन सर्विस।